नमस्कार आचार्य जी, कैसे हो? जी बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, स्वास्थ्य बहुत बिल्कुल अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा। और आप जैसे सज्जन से मिलकर संपर्क में आकर और अच्छा लगता है चलो आचार्य जी, ये तो बड़प्पन है आपका। जी। ऋषि और दयानंद जी ने कहा, धर्मात्माओं की संख्या जब ज्यादा होगी तो सुख बढ़ेगा, और अधर्मात्माओं की ज्यादा होगी तो दुख बढ़ेगा। दुख तो बढ़ेगा। धर्मात्माओं का मिलना सौभाग्य की बात होती अच्छा आचार्य जी, आप गुरुकुल में रहे हैं है। बचपन जी से और जी अभी भी गुरुकुल में पढ़ाते हैं, जी और मैं गुरुकुल ऑफ हेल्थ चलाता हूँ, जी शरीर हाँ का मैंने गुरुकुल है। बिल्कुल और इस गुरुकुल में जब से आपका ज्ञान लोगों तक पहुँचा है, जी सब लोग बहुत खुश हैं और उनको बहुत सीखने को मिल रहा है। जी तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो रोग होते हैं हमारे जी जी आयुर्वेद में, उनका जो निदान प्रणाली है जी और उनके जो कारण हैं, जी उनके बारे में चाहता हूँ कि आप हमारे जो दर्शक हैं गुरुकुल ऑफ हेल्थ के, जी उनको पूरा विस्तार से आज बताएं। देखिए, बिल्कुल अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही आपने ये प्रश्न किया। और जैसे पहले भी हमने चर्चा की कि आयुर्वेद वेद का उपवेद है, तो इसके जो सिद्धांत हैं वो सार्वकालिक हैं। ये नहीं कि पहले कुछ थे अब कुछ चेंज हो गया। अनेक पैथी ऐसी हैं, रोज उनके वो बदलते रहते हैं जी नियम। औषधियाँ भी ये अब बैन हो गई, दूसरी आरंभ हो गई, वो तो उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो सभी जानते हैं कि फलां औषधि वो बंद ही हो गई। लेकिन आयुर्वेद में तो ऐसा आरोग्यवर्धन ही, वटी बन गई तो बन गई, वो तो फिर मृत्युंजय रस बन गया बन गया, वो चलेगा वो चला आ रहा वो। है वर्षों वर्षों से। जी जी और भी औषधियाँ, अब गिलोय है, इसको क्या वो बदलोगे आप? ठीक है। तो ये सार्वकालिक है ज्ञान, और इसमें अनेक रूपों में ये अलग सिद्ध होता है कि इसका मुकाबला कर नहीं सकता कोई। हम कई बार ये होता है कि भाई किसी पैथी की वो कर रहे हैं, हम किसी पैथी की निंदा नहीं कर रहे, हम इसका एक वृद्ध रूप दिखा रहे हैं आयुर्वेद का। तो उसमें जैसे निदान का आपने उल्लेख किया कि निदान के आधार पर भी सिद्ध होता है कि ये सबसे अलग है। जो रोगों का निदान कहते हैं हेतु कारण, ये उसके पर्याय ही हैं निदान के। तो उसमें जाने से पहले एक वो आता है कि भाई रोग को कैसे जाने, कौन उत्तम वैद्य है, बिशक जो है उसके क्या लक्षण है। तो उसमें कहा गया है कि संचंचय, प्रकोपंचय, प्रसरमचय और स्थान संश्रयमचय, व्यक्ति भेदम यो वेति सैव एव बिशक। जी के जैसे पहले रोग का संचय होगा, और उसका उल्लेख भी किया है कि जैसे भाई बर्तन में दूध डाल देते हैं हम, तो वो संचय हो गया, वहाँ दूध डल गया, तो फिर उसका प्रकोप होगा, वो उबलेगा, फिर उसका प्रसार होगा यानी उबल के वो बाहर निकल जाएगा, और फिर स्थान संश्रय है, वो कहीं स्थान बनाएगा अपना। जैसे उबल के दूध यहाँ से निकल गया तो कहीं गड्ढे आदि में जाके या कहीं तो रुकेगा वो, तो वो रुकेगा। और व्यक्ति भेदम फिर वहाँ वो अपना निशान छोड़ देगा। तो ये कहा, इस सारी प्रक्रिया को जो जानता है ना वह बिशक है, वह वैद्य है अच्छा कि जी। भाई रोग कैसे हुआ, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा, और फिर उसका भेद के वातिक है या पैतिक है या कफज रोग है यह, फिर वो होता है। और इसी तरह निदान का आपने कहा तो ये भी बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है। निदानम पूर्व रूपाणि रूपान्युपशेष तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम, के पांच तरह से रोग की परीक्षा होती है। तो उसमें सबसे पहला लिखा निदान के कारण क्या है, हेतु क्या है। रोगोत्पादक हेतु निदानम, रोग के उत्पाद का जो कारण है, उसकी उत्पत्ति का कारण है, उसको निदान कहते हैं। और आयुर्वेद का धर्मेंद्र जी वो प्रयोजन ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि अगर व्याधि हो गई है तो उसका शमन करना, और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद। ये नहीं कि भाई व्याधि उत्पन्न हो गई केवल उसी की चिकित्सा करो, नहीं।
जो स्वस्थ व्यक्ति है कि क्या हमारा खान पान आहार विहार कैसा होना चाहिए, हम रोगी ही ना हो, तो उसका यदि हम रोग के हेतु का हमारे को ज्ञान होगा तो वो हो ही नहीं गा, रोग नहीं होगा। वो भी गया तो हमारे को समझ होगी कि भाई किस कारण से हुआ है। जी वो उत्तम वैद्य के साथ साथ उत्तम रोगी की भी वो लिखी हुई है परिभाषा, कि उसको यदि वो उत्तम रोगी है, उसको ज्ञान है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसको कारण का पता है। एक थोड़ा सा वो इसमें प्रसंग सुनाता हूँ आपको, कि ये जो खेड़ी साध गांव है, हाँ यहाँ एक युवा थे नत्थू, अच्छा पिताजी हमारे को सुनाते थे, वो खेड़ी साध भी रहे हैं जब यहाँ प्रोफेसर थे। तो जुलाना कोई वैद्य थे, उनका नाम तो स्मरण नहीं, तो उनके पास, वर्षों पहले की बातें हैं, तो उनके पास वो गए कि भाई घुटने में दर्द है। अच्छा जी तो उन्होंने कहा भाई ये औषधि है और आराम हो जाएगा बिल्कुल, टमाटर नहीं खाने हैं, अच्छा जी और तो खटाई उस समय कोई खाते ही नहीं थे ये, ये सोच सोच करते हाँ ही नहीं थे। ये नहीं थी, तो उसने यही सोचा भाई खाएगा तो टमाटर ही खाएगा, और उसने कहा भाई ये औषधि समाप्त हो जाए तो दिखाने आ जाना, फिर आराम हो जाएगा पक्का। तो उसको आराम लग गया, फिर वो दिखाने जब गया तो रास्ते में जब रोहतक आया तो टमाटरों की वो रेहड़ी देखी उसने, बल हाँ बिल्कुल लाल और बढ़िया टमाटर, तो एकदम ठिठके, वो वहाँ ठिठके तो खाने का दिल भी किया, फिर तो आगे चल पड़े, गए छोड़ वैद्य ने मना कर रखी है, आगे गए फिर सोचा कि यार बहुत तो बढ़िया लाल टमाटर थे, ऐसे कैसे छोड़ूं, फिर वापिस आ गया, और वापिस आके तो फिर एक बार नजर डाली ना जब, के पूरी कसर कर दे आज तो जो छोड़ रखे हैं, आराम है ही और वैद्य के पास जाना ही है, भरपेट टमाटर खा लिए और फिर अपना चले गए जुलाना गए, और उसमें दर्द हो गया शुरू। तो वैद्य जी के पास गए और कहा कि भाई बता नत्थू क्या वो है, क्या हाल है? तो उसने कहा कि जी दर्द है। बस स्टैंड तक तो ठीक हाँ ना, था। यूं नहीं बताई, बस स्टैंड तक तो ठीक था। उसने कहा जी दर्द है, हो गया शुरू, फिर आराम हो गया था लेकिन दर्द हो गया। उसने कहा टमाटर तो नहीं खाए? उसने कहा जी बिल्कुल भी नहीं खाए। फिर पूछा भाई देख ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, कमाल हो गई, ये कैसे होया, टमाटर तो नहीं खाए? उसने कहा नहीं खाए। वो वैद्य भी बड़ा वो था, गंभीर के साथ साथ वो आप व्यवहारिक भी था, उसने उसको ऐसी वो औषध दे दी जिससे वो मनाती है कि कोई बात नहीं भाई ठीक हो जाएगा, ये औषध ले ले उल्टी और की थोड़ी दवाई दे दी। देर बैठ, उल्टी की दवाई दे दी। वो उल्टी आई और वो टमाटर निकले सारे के सारे, तो बोले ये देख, तो फिर मान गया। तो वो इसमें कहा है संक्षेपत है क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, के संक्षिप्त रूप में आचार्य जो आयुर्वेद के हैं, ये सुश्रुत का वचन है, कि वो निदान को रोक दो, हेतु को रोक दो, संक्षेप में चिकित्सा यही है, औषधि आदि तो ये चिकित्सा है ही, लेकिन चिकित्सा इसको कहते हैं कि भाई जो हेतु है उसको हम रोक दे। आज आपकी वो हो रही थी चर्चा, आपकी और हमारी, जैसे कि वो एसी की चर्चा चल गई है ना, ये तो थोड़ा सा हंसी का भी वो होगा। तो आपने कहा कि भाई एसी का भी वो है प्रबंधर, वो है ऐसे बनाएंगे, तो उसमें क्या है, रोगों के जो कारण है ना, उसमें ऋषियों ने लिखा है काल यानी समय जो चल रहा है, बुद्धि और इंद्रियार्थ, वैसे ठंडा रखने का है ना, ऋषियों ने भी लिखा है कि खस की वो लगा देना, ये कोई झालर आदि और उन पर पानी वो छिड़कना आदि, के ठंडे स्थान पर और गर्मी में रहना, लेकिन ये देखो काल का, बुद्धि का और इंद्रियार्थ यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका यदि अयोग होगा यानी प्रयोग ही नहीं करेंगे, या अतियोग होगा ज्यादा करेंगे प्रयोग, या मिथ्या योग होगा गलत प्रयोग करेंगे, तो ये रोगों के हेतु हैं। कितना बढ़िया देखो ऋषियों ने लिखा। अब काल का वो कैसे हो गया, अयोग कैसे होया काल का, के ग्रीष्म ऋतु है और 24 घंटा ही मैं एसी में रहता हूं, तो निश्चित रूप पे वो काल का क्या हो गया जी, परिवर्तन अयोग कर दिया।
अयोग हो गया काल का, वो शरीर में निश्चित तौर पे शरीर रोगी होगा। आजकल तो धर्मेंद्र जी हम किसी की वो नहीं कर रहे, ना किसी की आलोचना में हम जाते। कोई भी स्कूल क्या, यदि गुरुकुलों की भी स्थापना हो रही है तो एक लाइन मेरे को पढ़ने में मिलती है कि फुल एसी सुविधा। अभी एक भाई ने है ना मेरे, वो आपके इस पे चैनल पे, और वास्तव में कोई कुछ समझे, हम आपकी बिल्कुल देखे आपको नज़दीक से, और बहुत ही गर्व है आप जैसे युवा पर कि ऐसा बढ़िया वो कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स का वो चला रहे हेल्थ का, और सभी प्रशंसा करते हैं आपकी, बहुत आगे जाओगे। तो उसमें एक ने सवाल कर रखा था कि प्रतिशय जो होता है, सबसे पहला सवाल यही आया और मेरे मन में था भाई कुछ तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा। प्रतिशय का आया कि जुखाम का, तो उसमें जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है उससे बचने का यही है कि शरीर को कठोर बनाओ, व्यायाम आदि से शरीर को कठोर बनाओ। ये जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो इसका प्रयोजन भी वो वहीं लिखा है कि ये इसलिए है कि वहाँ शरीर वो सुदृढ़ हो। अच्छा। फिर तो लोगों ने अपना पाप धोने के लिए रो पता नहीं क्या क्या चला दिया, वरन उसमें तीर्थाटन के इसमें और अपना ठंडे पानी से स्नान करना, ताजा ठंडे पानी से। अब आप देखते होंगे कार्तिक का तक नाना कहते थे, हाँ, नाती थी वो, क्या था कि हमारा अभ्यास बना रहे। यमुना के पानी में वो कौन सी पूर्णिमा पे नहाने जाते हो, पानी भी रुका रहता उसमें नहाते हैं। वो यही है कि हमारा वो बना रहे शरीर का अभ्यास, ठंडे पानी से स्नान करना, जिसको हो गया उसके लिए नहीं कह रहा, इससे बचने के उपाय लिखे हैं, तीर्थाटन करना, व्यायाम आदि करना, तो वो लिखे हैं कि ये इससे प्रतिशय से बचाते हैं। और उन भाई को मैं एक नुस्खा भी वो शेयर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अचूक नुस्खा है जुकाम का, नजला जुकाम का अचूक नुस्खा है, बहुत पुराने वैद्यों का, उनका। जैसे त्रिफला है वो 6 तोला लेना है त्रिफला, और जो बड़ी इलायची है तो वो लेनी है आपको 1 तोला, ठीक है? और धनिया लेना है 2 तोला, और 2 तोला लेनी है छोटी हरड़। वैसे त्रिफला में भी हरड़ बेड़ावड़ा वो बड़ी हरड़ डालते हैं, तो हरड़ का और योग करना है। तो इनकी ये मात्रा लेके, और चूरन त्रिफला का तो वैसे ही आता है, या वैसे ले सकते हो आप हरड़ बेड़ावड़ा, बाकी का सारे मिला के चूरन करके, और वो 3-4 ग्राम की मात्रा में, वैसे तो पहले के उनमें 6 ग्राम से और आगे भी लिखा हुआ है 10 ग्राम तक भी, लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि शरीर का निश्चित तौर पे जो कसाई की मात्रा आदि ऋषियों ने लिखी है तो वो उस रूप में आज नहीं लेते, क्योंकि शरीर में वो नहीं रहा इतना बल, और वो जैसे बलिष्ठ होते थे। तो वो 3-4 ग्राम आप उसको पानी के साथ लो तो नजला जुकाम से निश्चित तौर पे निवृत्ति होगी। तो ये जो बताया आपको कि जैसे ये हो गया, अब निदान की चर्चा कर रहे हैं कि भाई उसका गर्मी का तो योग ही नहीं होने दिया हमने, ठीक बात है जी, है ना, अयोग हो गया। एक उसका हो गया अति योग के, भाई गुदूप में ही मैं घूम रहा हूं, ज्यादा उसका सेवन कर रहा हूं धूप का, तब भी रोगी होना है। और एक उसका हो गया फिर मिथ्या योग, यानी गर्मी में भी मैं गर्म पानी पी रहा हूं। आजकल ये थोड़ा सा चल रहा, कई हमारी देखो, हम तो सत्य कहने में कोई वो नहीं करते, चाहे कोई कई आजकल कई दूषित करे चाहे भूषित करे, गर्मी में गर्म पानी पीते देखे हैं। हाँ, ये है ना, उसमें फिर आयुर्वेद में ये क्यों लिखा होता कि भाई गर्मी के अंदर तो जो मटका है मिट्टी का उसमें पानी रखना चाहिए, बाकी ऋतुओं में जैसे तांबा आदि के उसमें रख सकते हैं आप। तांबा में है ना जैसे तुथ से निकला तांबा, तो वो ऐजा आदि और वो नहीं होता, तांबा में पानी पियोगे, लेकिन उसमें हम नहीं पी सकते, गर्मी के अंदर गर्म होगा तो वो तो जल का तो स्वाभाविक गुण ही वो है शीतलता जल का। तो उसको यदि आप स्वस्थ हैं तो शीतल जल का सेवन करो आप, शरबत आदि का भी ऋषियों ने पीने का विधान लिखा उनको शीतल करके। तो ये मिथ्या योग हो गया। फिर यदि बुखार से आप पीड़ित हैं या कोई और व्याधि से आप पीड़ित हैं तो निश्चित करके जो शीतल जल है वो आपको हानि करेगा, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो शीतल जल का पान करो।
आजकल कुछ लोग कहते हैं ना मोटे हो गए तो गर्म पानी पीते रहते हैं ना दोपहर फिर को। वो उसका अंदर निश्चित तौर पे कोई तृष्णा आदि कोई रोग ऐसा उत्पन्न होगा, वो ना तृप्ति होगी। वो आप मोटा है तो ताजा जो जल होता है ना उसमें शहद डाल के पियो सुबह, और उसमें लाभ होगा। आप व्यायाम से बढ़ के मोटापे को हरने वाली कोई औषधि ही नहीं है। जो व्यायाम आपके अनुकूल है वो करो, वो खाली गर्म पानी पीने से, डाइटिंग आदि कोई ऐसा, वो तो वो फिर गड़बड़ रहती है। तो ये काल के हो गए। अब जैसे बुद्धि का भी है, बुद्धि के भी हो जाए कि मिथ्या योग है कि हम कोई बात समझा रहे हैं, हम तो क्या हमारे से और बड़े बड़े जानी पड़े हैं वो बात समझा रहे हैं, उनको उल्टा लेना। वेद को ये कह देना ये तो कठोर भाषा में है रे, हम सरल भाषा में उसकी बातें बता रहे, व्याख्या कर रहे हैं। अब उस सरल भाषा में उसकी बातें बता रहे तो उसको सुनो नहीं गए क्या? तो ये हो गया बुद्धि का अयोग के भाई वो तो सुननी ही नहीं है ऐसी बातें, और वो मिथ्या योग हो गया कि जानता हूं लेकिन उससे उल्टा चलूंगा। अगर भाई मैं ये बात तो जानता हूं इससे उल्टा चलूंगा। अति योग का भी क्या है धर्मेंद्र जी, महर्षि सुश्रुत लिखते हैं, बड़ी एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करता हूं कि सदा रोगी कौन, तो उसमें एक उल्लेख आता है कि वेद पढ़ने वाले। तो अच्छा मेरे को आश्चर्य वो है, और लिखा हुआ स्वाध्याय से आयु बढ़ती है, तो उसमें ऋषियों की बातों की संगति फिर लगानी चाहिए कि किस रूप में इन्होंने कहा है। तो उन्होंने इस रूप में कहा, आपने कई अनेकों बच्चे भी देखे होंगे और वो जो स्वास्थ्य को ताक में लगा के पढ़ते रहते हैं कि भाई यदि संध्या का समय है, हमारे दादाजी कहते थे पढ़ना नहीं, इस समय आंखों की रोशनी खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो तब भी पढ़ते हैं। यदि मलमूत्र का वेग आया है तब भी मैं बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ, कोई अपनी सुबह जल्दी नहीं उठ रहा, वो दिनचर्या नहीं कर रहा, वरना ऋषि वेद पाठी थे और इतनी लंबी आयु लेके गए, वो 400 वर्ष की भरद्वाज ऋषि की आयु, और वो कही है आयुर्वेद मानता 400 वर्ष तक, और वेद भी इतना ही मानता है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी व्यक्ति की आयु हो सकती है। तो वो बुद्धि का फिर वो हो गया अति योग हो गया कि भाई उसी में लगे हुए हैं, मन बुद्धि आदि पे जो ज्यादा जोर देगा तो ये लिखा ओज तत्व जो उसका है वो फिर ह्रास हो खत्म हो जाएगा उसका जाएगा। जी, और वो उसको आयु क्षीण होगी उसकी। इसी तरह से इनका देख लो, इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या तो इनका अयोग ही होना कि मैं कोई चर्चा सुन ही नहीं रहा अच्छी, अयोग हो जाएगा वो, ज्ञान हो नहीं गा और रोगी होऊंगा मैं। और यह मिथ्या योग जैसे उल्टा सुन लिया, और इसका अति योग ये हो गया कि मैं रेस मारते हुए भी लीड लगा रहा हूं। लगा रहे हैं जी, आजकल तो कान खराब हो रहे हैं लोगों हाँ के ये भयंकर एक वो है, लीड लगा लगा के। वरना ऋषियों ने ये कही कि भाई जब व्यायाम करो तो जैसे भाग रहे हो तो घोड़े में संयम करो, घोड़े का ध्यान रखो, ऐसे वो होगी घोड़े की तरह दौड़ो तुम। हाँ, और कोई दंड आदि लगा रहे हो तो ऐसे ध्यान करो जैसे सिंह जैसा पराक्रम मेरे अंदर आएगा, वो ना करके डीजे बजा के व्यायाम करना, गाने सुन के हर समय लीड लगाए रखना, और वो तो ये शब्दों का उनका अति योग हो गया। तो इस तरह जो होगा ये उनके रोगों के हेतु माने गए। जी फिर अलग अलग रोगों के भी हेतु होते हैं, जैसे उन भाई ने प्रश्न किया था प्रतिश्याय का, तो उसमें लिखा हुआ है दिन में सोना, दिन में सोना निदान है किसका, प्रतिश्याय का अच्छा, जिसको नजला वो दिन में जी सोए, जी नहीं सोना, नहीं सोना। वो तो निदान है कि दिन में सोओगे तो वो होगा, अच्छा, ये रोग उत्पन्न होगा आपको जो लोग हमारे दिन में सोते हैं उनको नजला होता है। जी। और अच्छा, भी कारण हो सक होते हैं लेकिन एक ये भी हाँ, है। एक ये भी है, जैसे हमारे है ना जगह जगह गुरुकुलों में लिखा होता है दीवा मास वापसी के दिन में मत सो, और आयुर्वेद के उनमें भी लिखा हुआ है, हाँ कोई बालक है या रोगी है या कोई वृद्ध है। वृद्ध है रात को जागे हैं किसी कारण से सो सकता है, लेकिन वैसे सामान्य जवान तौर आदमी पर को दिन में नहीं सोना नहीं चाहिए। सोना चाहिए, वृद्ध को भी नहीं सोना चाहिए थोड़ी देर, जैसे ऋषि दयानंद का उल्लेख आता है 25 मिनट सोते थे दिन में, और एक
वो पानी का लोटा लेके खड़ा हो जाता था, ठीक 25 मिनट के बाद आंखें उनके खुल जाती थी और धो के आंखें और कार्य पे लग जाते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो दिन में यदि सो गए तो ये निदान है प्रतिशाय का। फिर रोग भी निदान बन जाता है, एक रोग दूसरे रोग का निदान बन जाता है, चिकित्सा नहीं की गई तो। प्रतिशाय से आपको हो जाएगा कास, खांसी जिसको बोलते हैं, खांसी की उपेक्षा करी वो औषध आदि नहीं ली, उससे क्षय हो जाएगा टीबी। तो ये निदान है, निदान को जानना बहुत आवश्यक है। फिर आगे लिखा है निदान, आगे लिखा पूर्व रूप के रोग के, रोग जब आरंभ होगा उससे पहले क्या लक्षण होंगे। तो ये कितनी बढ़िया एक आयुर्वेद की देन है और अन्यत्र नहीं मिलेगी। और इसमें ये वर्णन करना, जैसे एक बार पिताजी पढ़ा रहे थे तो महंत जी आए क्लास में, श्री ओनाथ जी के, कुंडू क्या पढ़ा रहा है। तो पिताजी ने कहा, महंत जी ये इसके टाइफाइड के पूर्व रूप पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया बताओ क्या है। तो उन्होंने एकदम से वो बोला, शिरोरुग्रुचि साधो वीड भी बंधोर्ति तमें स्फुटा स्फुटम वो पूर्व रूपम स्याद आंतरिके जवरे, के सिर में दर्द होना और भोजन में अरुचि होना और कब्ज होना, विबंधादि कब्ज होना, तो ये स्फुटा स्फुटम ये लक्षण कभी तो तीव्र होंगे कभी मध्यम दिखाई देंगे, तो ये आंतरिक जवर के पूर्व रूप है। तो आप समझो आपको टाइफाइड होने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए वो ये सुन के। तो किसी भी रूप उसके पूर्व रूप यदि हमारे को पता लग जाए कि भाई अब ये होगा तेरे को, ये रोग होने वाला है, इसके ये पूर्व रूप हैं, या उसको स्वयं ही ज्ञान होना चाहिए पूर्व रूप में, तो कौन चिकित्सक के पास जाता है। तो पूर्व रूप आ गए तो वहीं से चिकित्सा हो जाए तो वो और भी बढ़िया है। और फिर ऐसे ही जैसे उनका वात पित्त और कफ का भी अलग अलग उल्लेख किया, यदि आपको वातिक जबर होना है, वात प्रधान बुखार होना है, तो उसकी वो लक्षण बताए कि जम्हाई आएगी जी, जम्हाई आएगी। और यदि आपको पैतिक जम्हाई ज्यादा आने लग जाएंगी तो समझ लो वात जबर से पीड़ित हो गए। और उसका क्या लाभ होगा ये जानने का, तो ऋषि कह रहे हैं कि यदि वात जवर है और पूर्व रूप उसका प्रकट हो गया तो घृत पान करो। घी खा लो। हाँ घी, बड़ा अच्छा मेरे को आपकी भाषा लगेगी। हाँ घी खा लो। वेरी फेवरेट सीजन है। हाँ, बहुत बढ़िया। घृत मायु हो, आप हमारे फेवरेट हो, वो आपकी फेवरेट है। और तो उसमें कहा है कि घृत पान करो। और इसी तरह यदि पैतिक होने वाला है आपको, पित्त प्रधान जबर होने वाला, तो दाहा और प्यास ये आपको अनुभव होगा कि शरीर में ऐसे होगा जैसे जलन हो अंदर रही से गर्म और है ना, प्यास प्यास लगेगी। लगेगी। और फिर यदि आपको कफज होने वाला है, कफज जबर होने वाला है, तो आपको अंगों में भारीपन, भोजन में अरुचि हो जाएगी। तो ये लक्षण उसके हैं। और इसका एक जवर का बड़ा अच्छा सिद्धांत है, जवरादौ लंघनम प्रोक्तम। जो हमारे दादाजी थे, जब उनको ये होता कि भाई थोड़ा सा तबीयत खराब होने वाली है तो रोटी नहीं खाते अच्छा थे। हाँ वो थोड़ा भूखे बहुत दूध पी लिया। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है ये, ये तो पशु भी बहुत बेहतर जानते हैं। जब भी जी कोई पशु बीमार होता है वो खाना पीना छोड़ देता गजब है है जी। ना, वो हाँ इंसानों तो से ज्यादा उनमें, बेहतर हाँ जानते तो हैं। ईश्वर ने देखो मूक प्राणियों को वो स्वाभाविक है, मेरे वो दादा दिया है कहते थे जान, जब जैसे कोई पशु बीमार हो गया, कमाल है लग रहा है बीमार है, जी तो डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर बोले नहीं जी आप इसको 6-8 घंटे देखो, ये खुद जी ही खाना छोड़ा है इसने, हो सकता है ठीक हो जाए। और वो ठीक ओ, हो जाता था पशु। जी बड़ा देखो आपने ये है ना, बहुत अच्छी जानकारी दी, बड़ी रुचिकर मेरे को भी स्वयं लगी। और इससे ईश्वर का सत्ता की एक बिल्कुल ऐसे स्पष्ट आभास इससे होता है जी कि भाई कैसे मतलब मूक प्राणियों को भी उसने जान दिया जान है। दी। तो जवर का जब भी आभास हो, आप पूर्व रूप का लाभ ये है, ये तो बता दिया हमने कि ये पूर्व रूप और ये निदान, लेकिन उनके लाभ क्या है। लाभ ये है यदि आपको ये लक्षण हो जाएं तो आप लंगन या थोड़ा ले लो, कोई दलिया ले लिया,
कोई खिचड़ी थोड़ी बहुत ले ली, खाली है रखो ना। शरीर हाँ हाँ पेट जी, को। लघु भोजन करो, और या मजबूत और वो हो तो उपवास कर सकते हो, थोड़ा बहुत दुग्ध आदि लेके। तो इसमें ये हो गया पूर्व रूप। फिर आते हैं रूप, जो पूर्व रूप हैं वो प्रकट हो जाते हैं। ये रोग की वो चल रही है प्रक्रिया कि भाई रोग कैसे उत्पन्न हुआ, और हर एक उसका लाभ है जानने का। तो रूप के अंदर दो फिर हो गए, एक तो लक्षण और एक चिन्ह। आप इसकी भी वो डालते रहते हो वीडियो, हमने देखा ये नाड़ी आदि का बड़ा डालते रहते हो आप। जी तो इसमें लेकिन खाली उससे परीक्षा एक उससे नहीं होती, नहीं होती। ये तो ऋषि कह रहे हैं। तो उसमें दो फिर आ गए। वैसे जो देखो पहुंचे हुए वैद्य और वो थे, कोई एक ही विधा में इतना निपुण हो गया तो वो अलग बात है, और लेकिन वो कम रह रहे हैं। हमने प्राचीन वैद्यों से जो है वो यही वो सीखा है, जाना है। उनके डॉक्टर बीडी शास्त्री का पूरा नाड़ी दौर्बल्य का मेरे पास लिखा हुआ, उन्होंने यही लिखा लिखवाया है कि कभी भी एक विधा से रोग की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, जी दो तीन ढंग से उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो रूप में क्या आते हैं, रूप में आते हैं लक्षण और चिन्ह। जो लक्षण हैं तो वो रोगी बताएगा, उनको मैं स्वयं नहीं देख सकता कि भाई तेरे को नींद कैसी आती है, वो तो रोगी बताएगा। भूख कैसी लगती है, उसमें बिल्कुल ये स्पष्ट है। ये ऋषि लिख रहे हैं, हमारी बात नहीं। और ऋषियों से भी कोई बड़ा हो वो तो जी देख के बता देगा। अब ऋषि ये लिख रहे हैं। फिर चिन्ह जो है वो वैद्य बताएगा चिन्ह का, उसको देखकर। जैसे एक हमने पढ़ा कि क्षय रोग हो जाएगा ना टीबी में, अंश संकोच, वो आकृति से भी बता देगा ये कंधे ऐसे हो मुरझा जाएंगे, जाए। संकोच हो जाएगा इनमें, अनसंकोच भी वो टीबी का वो है। अब पीड़िया वाले को आंखों से बता देते बता हैं, दे। नाखूनों से बता देते हैं, तो वो आकृति से बता देते हैं। मेंत श्रीयोनाथ जी ये देख के बता देते थे 7 दिन जीवेगा भाई, अच्छा ये बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो उसमें बोलते हैं सारा 1 महीने जिएगा, ये इतने पहुंचे हुए वैद्य ये थे। और ये सारी विधा उसमें है अपने, इसमें चरक सुश्रुत में ये अरिष्ट लक्षण लिखे हुए हैं कि आकृति और वो देख के उसका, कि रोगी के पास गए जांच करने के, बस इतने। सौपन से भी बता देते हैं कैसे सौपन और उसको आए, तो चिन्ह वो बताएगा। और उसको जानने के भी जैसे दर्शन के भाई आकृति से इसकी बता दिया। ऋषि दयानंद के जीवन में भी उल्लेख आता है कि एक युवा उनके पास आए और उनको ये बता दिया उन्होंने कि भाई शादी मत करना, विवाह मत करना, वरना इतने वर्ष की आयु में मर जाएगा। देहांत हो जाएगा, आगे की घटना की तो क्या चर्चा आप करें, है ना। लेकिन उन्होंने उसको ये बता दी थी। वो घरवालों से भी उसने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे किया, तो वो भी आयुर्वेद के और उसके वेद के विद्वान थे। तो वो उसमें भी कैसे होगा चिन्ह की कैसे जानकारी, दर्शन के द्वारा कि भाई रोगी को देख लिया, मोटा है पतला है ना, क्या इसकी वो है आकृति, और वो दर्शन स्पर्शन, स्पर्श करके अब ये उसका है विषय कि ऐसे देख क्या क्या गति है उसकी नाड़ी की, त्वचा गर्म है या ठंडी है। ठीक बात है। अंगुली ताड़न, अंगुली ताड़न मैंने आपको एक बार और वर्णन किया था। ब्रह्मस्वरूप शर्मा जी थे पिताजी के गुरु, कुरुक्षेत्र पीपली जाते हैं जब, तो पुल उतर के कुरुक्षेत्र से, और गीता कॉलोनी वहाँ है। तो अंगुली ताड़न मरीज को ऐसे यकृत पे हाथ रख के, लीवर पैर वो किडनीज पैर वो कहाँ दर्द है क्या है पीछे, ठोक पीट का भी करते हैं अब भी आपके, करते हाँ हैं। यकृत में कठोरता आदि है क्या वो बता देंगे। फिर चौथा है उरे श्रवण, ये ऋषि ने लिखे, मैं अपने नहीं बता रहा। हृदय की धड़कन आदि सुनना, ये वो यंत्र से जो करते हैं तो वो यही तो है आयुर्वेदकार वो। तो वो ये लक्षण और चिन्ह है। तो ये हो गया फिर कि भाई पूर्व रूप, अब रूप प्रकट हो गया, रोग के लक्षण जो थे जो पूर्व रूप में थे अब वो स्पष्ट हो गए, क्या बन गए रूप में आ गए, अब हमारे को पता लग गया कि कौन सा दोष है इसका। फिर चिकित्सा का आप देखो, कई भाई कह देते हैं इस पे अपना कि भाई साथ साथ औषधि भी बताया करो। बताया करो, और वो
तो आपके वो डॉक्टर त्यागी जी हैं हमारे बड़े, और बताते भी हम तो, लेकिन हर फिर रोग भी की जो चिकित्सा है वो हर रोगी की अलग अलग होती है, जी उसकी वो स्थितियां त्यागी आप जी, परिस्थितियां त्यागी देखते जी हैं। बताते हैं वो, है ना। हाँ और बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को उनकी ये बात, जब मैंने देखी कि भाई कैसे एक जगह बैठ के वो रोग का नहीं, लेकिन सामान्य है, हम उनको बताने में बताना, कोई कोई दिक्कत लोभ नहीं। नहीं बरतते, उनको बताते हैं हम तो। उनको अब जो हम चिकित्सा बताएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा औषधियों का भी वर्णन होगा। आगे जो विशेष आयुर्वेद की वो है चिकित्सा प्रणाली, उपशय के 18 प्रकार की वो मिलेगी आपको यहाँ, किसी भी पैथी में हो तो आप देखना कि भाई किस ढंग से चिकित्सा की जाए। तो उसमें जैसे हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, ये 6 हो गए। और 6 के फिर तीन तीन भाग हैं, औषध, अन्न और विहार। जैसे हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है हमने कि भाई किस कारण रोग उत्पन्न हुआ है, उससे उल्टी चिकित्सा कर दो, अच्छा, इसको क्या बोल लेंगे, हेतु विपरीत। यदि आपको ठंड लगी है तो सौंठ बहुत उत्तम गरम औषधि, दो। सौंठ है ना, प्रयोग नहीं करते अब, वरना ऋषि दयानंद जी ने बड़ा संस्कारविधि के अंदर अदरक भी तो आपके सौंठ पिताजी ने मुझे एक वो बताया जी था, योग अदरक का, कि जी एक छोटा अदरक का हाँ टुकड़ा पहले हाँ भोजन के साथ खाओ। जी मैं वो निरंतर कर रहा हूँ और मैं परिणाम बताऊँ बहुत हाँ ना, आश्चर्यजनक आपका है। स्वास्थ्य है वो उसके बिल्कुल बाद जो अपच की जो समस्या थी जी वो खत्म हो चुकी है जी बिल्कुल। बहुत अदरक बढ़िया का छोटा सा टुकड़ा लेने से जी। भोजन के साथ भोजन तुरंत जम होता हाँ है। उनके जो गुरु थे विद्यासागर थापर जी, यहाँ एक तो मनोरोग के हुए वो नहीं, एक और विद्यासागर जी थे, विद्यासागर थापर जी यहीं महंत जी के इसमें कॉलेज में स्थल पर बहुत ही पहुँचे हुए वो थे, और वो करते थे सेवन ऐसे। हाँ तो लेकिन धर्मेंद्र जी क्या देखो, गया अदरक कुछ ऐसे होते हैं उनको अनुकूल नहीं रहता, पित्त प्रधान ज़्यादा वो भयंकर रूप से पित्त प्रकोपित है जिनका, यदि वो उसका सेवन करते हैं ना, मैंने कुछ को देखा है जैसे पेशाब में जलन हो गई या वैसे गर्मी हो गई, तो सौंठ निरापद प्रयोग है, अच्छा, निर्भय अदरक प्रयोग ठीक है। है ना, क्योंकि उसका जो होता है ना ये अपना जलीय भाग वो सूखता है, वो इस रूप में हानि नहीं करता, सौम्य है वो, उसको सोच ले सकते हैं सभी। और जो श्वास के रोगी हैं ना, दमा के रोगी हैं, तो उनको तो जो मूंग की दाल है, अब ये क्योंकि आपका चैनल आपने सोशल मीडिया पे ऐसे ले आए, हमारे को तो जो दर्शकों की वो है वो ही पूरी वैसे करनी तो पड़ेगी। हाँ है ना, कई वैसे भाव में भी कर देते हैं वो, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरी करनी पड़ेगी, बीच बीच में ये भी बताना हाँ पड़ेगा। तो जो श्वास के रोगी होते हैं दमा के, उनके लिए जैसे मूंग की हरी दाल होती है, तो वो एक समय उनको सौंठ और काली मिर्च डाल के उबालते समय उसमें डाल लें, अवश्य प्रयोग करना चाहिए, सौंठ और काली मिर्च सौंठ डालें, और काली मिर्च, बड़ा एक आराम बहुत ही देगी। अच्छा, बहुत अच्छा। और मीठा अनार एक समय खावे तो समझ लो सदका ही कार्य ये करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे हेतु विपरीत चिकित्सा, जैसे शीत लग गई तो अपना सौंठ का प्रयोग या त्रिकटु होता है, सौंठ मिर्च पीपल का योग आता है, उसका सेवन करना, ये तो होगी हेतु विपरीत औषध। अब हेतु विपरीत अन्न का प्रयोग, अन्न का जैसे ये है मैंने परिश्रम किया है और परिश्रम के कारण मेरे को ज्वर हो गया बुखार, तो उसमें लिखा दुग्ध का प्रयोग, हाँ थकान की दुग्ध वजह से ही बुखार हो जाता है। जी, श्रम की वजह से बुखार हो जाता है या वात के उससे हो जाए प्रकोप, तो उसमें लिखा है दुग्ध का सेवन करो। ये तो हेतु विपरीत औषध हो गई, अन्न हो गया विहार। हेतु विपरीत विहार क्या हो जाएगा कि शीत लगी है तो गर्म स्थान पे, और गर्मी लगी है तो ठंडे स्थान पे ठंडे पहले स्थान पे वैद्य भेजा करते, जी, बोले आप उधर चले जाओ ठंडी जगह पे, आप स्थान परिवर्तन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो यही है हेतु विपरीत चिकित्सा कर दी। अब जैसे हेतु विपरीत हो गई, इसी तरह व्याधि विपरीत चिकित्सा, इनमें कुछ का उल्लेख करेंगे वो तो बहुत 18 का लंबा हो जाएगा। तो व्याधि विपरीत में आपको क्या करना है, जैसे अतिसार है,
ये हमें जो रोग हैं उनकी औषधियां भी साथ साथ बता रहे हैं। अतिसार दस्त, दस्त लग रहा है जी, अतिसार दस्त को कहते हैं, वो लगता है। तो कुटज बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद में। कुटज, हाँ कुटज घनवटी भी आती है, कुछ कंपनियां बनाती हैं। अच्छा। कुटजा रिष्ट भी आता है, भोजन के बाद उसका कुछ सेवन करते हैं, लेकिन फिर वही रोगी की अवस्था के अनुसार। तो अतिसार में स्तंभन, क्योंकि वो रेचन अर्वो क्रिया और स्तंभन उसको रोकना है, तो जैसे उसके विपरीत चिकित्सा कौन सी होगी, कुटज और एक पाठा होता है, तो वो जैसे बच्चा कोई वो नहीं ले सकता, कुटज थोड़ा कड़वा कोई औषधि ऐसी हो गई, तो पाठा भी आता है उनका प्रयोग कर दिया, तो अतिसार में ये हो गई। और इसी तरह व्याधि विपरीत अन्न क्या होया, जैसे कोढ़ कुष्ठ है किसी को, तो चना चना खाओ, ये उसके व्याधि के उलट हो गया, क्योंकि उसमें कफज प्रदान, कफ प्रदान होता है ये कुष्ठ रोग होता है, सफेद चक चकते या और कोई विकार हो गया तो वो उसको सुखाएगा कफ को, तो वो चना हो गया। अब हो गया विहार, व्याधि विपरीत विहार क्यों कौन सा हो, विष पीड़ित है कोई, यदि कोई चिकित्सा भी हो गई है लेकिन शेष रह गया है विष, तो उसको दिन में नहीं सोने देना, ये विहार हो गया। और हेतु, अब आ गया हेतु व्याधि विपरीत, यानी हेतु भी है कोई और व्याधि भी है, उनके विपरीत कौन सा वो होगा, औषध होगी। औषध होगी। जैसे उल्लेख बड़ा अच्छा वो रहेगा, ये घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं सभी, बहुत है घुटनों के मरीज तो बहुत हाँ है। घुटनों के मरीज बहुत हैं, तो उसका उल्लेख करेंगे। और शोथ भी हो जाता है फिर उसमें, वो और उसका उपद्रव है, जैसे घुटने का दर्द हो गया, साथ में शोथ उत्पन्न हो गया, सोजिश आ गई, सोजिश, हाँ कईयों के हाँ, सूजे पड़े रहते तो हैं उसका घुटनों कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें हेतु व्याधि विपरीत जो वो है औषध है, तो दस मूल का बड़ा दस मूल उल्लेख, अरिष्ट भी आता है। दस मूल अरिष्ट भी आता है हाँ जी, महिलाओं के उसमें भी देते, और इसमें भी बड़ा अच्छा। तो दस मूल की जो औषधियाँ हैं उसमें पांच लघु पंचमूल हैं और बृहद पंचमूल हैं, तो जैसे छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और प्रिशनी परणी, श्याल परणी और गोखरू, ये तो बनी बनाई भी ये आती हैं फिर। पांच हो गए लघु वो। हाँ किसी से वो ले ले अपना पंसारी, वो दे देगा दस मूल का। और इसमें फिर अरणी, अरलू, गंभारी, बेल आदि, ये पाडल, पांच ये हो गई, तो ये दस हो गई। दस मूल का कसाई बनाओ आप कवात, क्या बना बनाया वो मिलता है? ये वो लेना नहीं चाहिए कसाई बना हुआ कवात, अच्छा, वो ताजा ही निकाल के प्रयोग करना चाहिए, ताजा क्योंकि तो बगैर आजकल समय नहीं है। और समय नहीं है। तो ये औषधियाँ मिल सकती हैं, किसी कोई पंसारी वो है अच्छा, तो उसके उसको कहना कि भाई दस मूल की, वो पैकेट में भी देते हैं, कुछ हमने देखे हैं, हम भी मंगा लेते हैं, वो पैकेट के अंदर दे देते हैं, तो उसको 10-20 ग्राम लेके, और जैसे 16 गुना है उसमें डाल के पानी में, जैसे हमने यदि 200 ग्राम पानी डाला है, तो उसका आठवां हिस्सा बचा हुआ आप 20 ग्राम 25 ग्राम बच गया, तो उसका सेवन करना, तो ये इसमें दर्द में भी और उसमें आराम आराम देगी। देता है। साथ में और औषधियाँ कोई हैं जो आपकी प्रकृति के अनुसार, तो उनका सेवन इसके साथ करना वैद्य के उसके निर्देशानुसार, या फिर खाली इसको सेवन करना यदि कम है, यानी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए उसमें। तो ये हेतु व्याधि विपरीत हमारी चिकित्सा हो गई इसकी, भई हेतु भी है और व्याधि भी है। अब अन्न का भी इसी तरह चलेगा फिर, और जो वो है अपना विहार है उसका भी इसी तरह चलेगा। जैसे एक और बड़ा सिद्धांत आपके माध्यम से बताएं इसी चिकित्सा का, ग्रहणी रोग होता है, संग्रहणी, संग्रहणी रोग होता है। वो भी बहुत भयंकर है, पीड़ित हैं बहुत सारे। उसमें क्या होगा कि जैसे भोजन किया आपने, ग्रहणी में भी पचता है, वो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की कि भाई आमाशय में जाएगा, आमाशय से ग्रहणी में, फिर छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में उसका वो जाएगा, तो ग्रहणी उसको पचाए बिना निकाल देगी। आगे आपने भोजन किया
और आजाद हो जाएगी थोड़ी हाँ, सी तो देर लोग में भगते रहते हैं, खाया जी। भागे खाया हाँ, तो भागे। वो भयंकर है, वो रस रक्तर वो बने बने तो नहीं मेरे है ख्याल से अंदर। वो मेडिकल साइंस में तो IBS कुछ ऐसा हाँ, बोलते हैं। ये बहुत मतलब कष्ट साध्य रोग है और लंबा चलता, पीड़ा देता है। तो इसमें भी देखिए आप, उपशम में आयुर्वेद का सिद्धांत कैसा है, यदि आपको अब कोई बता दे आपको कि इसमें तक्कर पियो, वो लस्सी का प्रयोग करो, लेकिन नहीं अनुकूल रहेगी आपको। कोई कहे दूध का प्रयोग करो, नहीं अनुकूल रहेगा, तो वो जानना पड़ेगा कि भाई यदि वो वात का फज रोग है आपको संग्रहणी का, तो आपको सेवन करना है तक्कर का, और वात का फज और पित्त का है रोग, तो फिर आपको दूध का सेवन करना है। अब इनकी पहचान भी कैसे होगी, यदि पित्त का है आपको तो मल पीड़ा आएगा बिल्कुल। अच्छा, ऋषियों की हम तो जी ये पढ़ते हैं ना, जब हैरानी होती है सब दिया है उन्होंने, सब लिखा है। व्यवहारिक वो करके, कैसे कितना तप मतलब उनका था, वो इसी उसमें लगे रहते थे कि वो कितना मनुष्य जाति के लिए उन्होंने उपकार का, प्राणी मात्र के लिए किया। तो यदि पीला है वो, तो समझ लो आपको पैती ग्रहणी है, तो उसमें आप दुग्ध का सेवन करो, यदि वात का फज है तो तक्कर का सेवन करो। तो इस तरह ये फिर चलता है सारे का सारा। तो ये हो गया, फिर अगला इसका आता है संप्राप्ति, अंतिम है निदान का संप्राप्ति। उसमें पूरा लेखा जोखा वो देखते हैं कि भाई कौन सा रोग किस कैसे हुआ, और कौन सा जो दोष था, वात था या पित्त था या कफ था, या वात पित्त थे, वात कफज पित्त कफज दो मिला के थे, या त्रिदोषज था, और कैसे वो उसका संचय हुआ, फिर वो सारा लेखा जोखा करते हैं, तो वो संप्राप्ति होती है। तो ये सारा का सारा आयुर्वेद का जो निदान है, तो ये इस विधा को काम हाँ करता है। सबसे अलग करता है। मैं 18 के 18 का भी वो उल्लेख नहीं, वो फिर किसी करता दिन कर लेंगे। है ना, वो अब तो लंबा मैं भी। चाहूंगा अब कि जो भी मुख्य चर्चा थी ना, आगे तो ऐसा आता है कि भाई अंत में जैसे विष में विष देना, मदात्य रोग हो गया उसमें मद्य का सेवन करना, केवल एक मैं एक चर्चा परसों विशेष रह गई कि एक जैसे हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी में उल्लेख आता है, एक रोग चल रहा है, मैंने भी उसके रोगी देखे, उरुस्तंभ के पैर जाम हो जाते हैं, अनेक तो फिर कुर्सी पे ही बैठे रह जाते हैं, वो चला नहीं जाता। आपने शायद ना, मैंने तो स्वयं रोगी देखे हैं जी, एक दो, उनकी उसमें भी देखभाल में, तो उसको आयुर्वेद में कहते हैं उरुस्तंभ रोग। ये जांगे हैं, ये वात वहाँ कफ को जमा देगी, कफ बढ़ जाएगा वहाँ और वो स्तंभ हो जाएंगे, पैर ही ले नहींगे। तो उसमें क्या करते हैं, यदि उसका निदान ठीक ढंग से नहीं होया, उसमें चिकित्सा लिखी है कि हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, के भाई उसमें उल्टा मतलब पहले ही मेरे पैर जाम है, ले व्याम से, व्याम का ले लो आप, व्यायाम से मैं थका हुआ हूँ, खूब अंग जकड़ गए हैं, तो उसको तैराओ, ये लिखा हुआ ऋषियों ने। अब वो भी व्यायाम है, लेकिन वो हितकारी है उसके लिए, वहां तो हम हेतु विपरीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उसके अनुकूल कर रहे हैं, और वो फिर भी हितकारी हो रही है। तो उरुस्तंभ में यदि आपने मालिश कर दी ना, हर एक वात रोग में मालिश बड़ा अच्छा माना गया है, क्योंकि वात त्वचा के आश्रित है, और मालिश करोगे तो मर्दन करोगे तो वायु वहां से समाप्त होगी। हम तो सभी को बताते हैं, जो भी यदि कोई कंपन है या कोई दर्द आदि पीड़ा है, ये भी सिद्धांत, वात के बगैर दर्द शूल नहीं होगा, वात के बगैर किसी भी स्थान पर शूल नहीं होगा, सुश्रुत ऋषि कह रहे। पित्त के बगैर पाक नहीं होगा, पके नहीं गा, कफ के बगैर पस नहीं बनेगा, तो इस तरह से चिकित्सा करनी पड़ती है। तो यदि उरुस्तंभ में आप वात रोगों में तो मालिश उत्तम औषधि है, अमृत है, लेकिन यदि उरुस्तंभ में आपने मालिश कर दी ना, तो भयंकर परिणाम हो जाएंगे अच्छा, जी, वो और नुकसान भयानक हो जाम जाएगा। होगा। उसमें तो ये चिकित्सा लिखी, बालू रेत है, यदि शुरू में निदान हो जाए ना तो बच सकते हैं, यदि तैरना आता है किसी को तो उसको तैराना उरुस्तंभ में, वरन बालू रेत है उस बालू रेत में उसको चलाना,
तो ये आयुर्वेद का वो है सारे का सारा निदान आयुर्वेद का बहुत अच्छी चीज़ है जी, जी और अब तो मैं चाहूँगा कि बहुत कुछ आपने बता दिया, जी अगले वीडियो में हम एक एक रोग को पकड़ें। कोई बात नहीं, जो भी जैसे अब हमने जो दर्शकों के जैसे कमेंट आ रहे हैं, जी मुझे लगता है कि अगला जो वीडियो है जी आप इनको गठिया रोग के बारे में, जी निश्चित गठिया रोग के तौर कारण और उसका चिकित्सा। पे देखिए, मैं सबको देखने वालों को बताना चाहता हूँ, कोई हमारा प्री प्लान आदि इसमें नहीं है। बिल्कुल आपने स्वाभाविक प्रश्न समाज किया के और हित के इससे लिए किया पीड़ित मैंने। भी हैं बहुत हाँ जी, सारे, 40 तो वर्ष की आयु के बाद ही गठिया रोग के बारे प्राय में होता आप है। पूरी जानकारी इनको देना जी अभी, जी अवश्य अवश्य ठीक है? और फिर धर्मेंद्र मैं जी चाहूँगा कि आजकल जो पुरानी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, जी जैसे घी है, जी मैंने तो पढ़ा कि वो अमृत के समान है आयुर्वेद गिरतम में। आयु हो, हाँ आयु है हाँ घी, तो आयुर्वेद एक गिरतम वीडियो हम घी पे भी बनाएंगे जी कि घी अवश्य कैसे उत्तम है, जी और इस तरह कर करके हम आपका जो ज्ञान है जी वो दुनिया तक धर्मेंद्र जी, फैलाते ये तो रहेंगे। आपका वो है चलो, शुक्रिया।